आज पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। लोग इस आपदा को अवसर बनाकर अपनी जेब भरने में लगे हैं, लेकिन बोकारो के एक शख्स ने अपने हुनर की बदौलत मात्र 20 रुपए के खर्च में वेपराइज भाप लेने वाली मशीन बनाकर एक उदाहरण पेश किया है। घर में पड़े बेकार सामानों को मिलाकर जुगाड़ तंत्र के सहारे अमरनाथ सिंह ने ये मशीन बना डाली है। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वही हुआ। अमरनाथ के साथ भी उन्हें अपने किसी मित्र के लिए वेपराइज मशीन खरीदनी थी, तो उन्होंने बाजार की ओर रुख किया। तो कई दुकानदारों में भटकने के बाद एक दुकान में भाप लेने वाली मशीन मिली भी तो मनमानी कीमत पर वसूल रहे थे। बस यही अमरनाथ ने ठान ली कि वे खुद ये मशीन बनाकर कोरोना से लड़ने में लोगों की मदद करेंगे। पेशे से ठेकेदार अमरनाथ ने महज 2 दिनों में ही जुगाड़ तंत्र के सहारे 2 प्लास्टिक का डब्बा, 1 VP पाइप और बिजली का तार की मदद से इस तंत्र का निर्माण कर दिया। अब तक 200 लोगों को यह तंत्र निशुल्क बांटकर लोगों की मदद कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो सक्षम है वह 20 रुपये में उनसे मशीन ले सकते हैं और जो सक्षम नहीं है उनके लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। अमरनाथ के इस प्रयास की चारों ओर सराहना। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, जो विकट परिस्थिति है, तो इसमें बहुत समस्या है। बड़े बड़े लोगों का तो है ही, गरीब लोगों का तो बहुत ही स्थिति खराब है। हमारे पास भी ऐसा ही हुआ स्थिति बना, हमको भी मशीन लेने का ज़रूरत पड़ा। कोशिश किए, काफ़ी भाग दौड़ किए, नहीं मिला। मिला भी तो बहुत महंगे दाम में, औने पौने, मतलब जो मांग दे उन लोग देना पड़ता है। तो हम लोग जब सक्षम नहीं, तो जो गरीब वर्ग या आम लोग जो है, उन लोग कैसे इस चीज़ को वहन करेगा। ये सोचते हुए हम सोचे कि इन लोग के लिए कुछ काम किया जाए, कोरोना काल में कुछ ऐसा किया जाए जिससे जिसको सबको ज़रूरत है, हर घर में ज़रूरत है, मतलब आपदा को अवसर बनाया जाए। हाँ, और इसमें यह भी हो कि समय भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, और जो हमारा ऊर्जा का खपत है ये भी ना हो, ना के बराबर हो। अगर मेरे पास 10 मिनट का बिजली है तो हम 10 मिनट में ही काम अपना कर लें। ज़्यादा पानी उबालते हैं उसमें ऊर्जा लगता है, आधा घंटा समय लगेगा। 5 मिनट लेना ही है, 15 मिनट हमको उसको उबालने में लगेगा। इसमें क्या है, आप 3 से 4 सेकेंड में आप स्टीम लेने लगेगा। इसमें पानी हमको 200 ml ही खर्च करना है, उसमें 50 ml हमारा जो स्टीम में चला जाएगा, 150 ml पानी बचा रह गया, 10 मिनट के अंदर सब सिस्टम खत्म हो जाता है। यही सब सोच करके हम ये बनाए और चाहते हैं कि लोग इसको बनाए। कितना, नहीं तो हम, कितना खर्च बैठा आपको इसको बनाने? इसको बनाने में मुश्किल से 20 रुपये का खर्च आएगा, 20 रुपये का। और जो लोग ले बनाना चाहें वो हम नंबर देंगे, वो बनवा भी सकते हैं, और नहीं तो निःशुल्क भी हम दे सकते हैं। भी होने लगी है जो इस आपदा काल में अपने प्रयास से लोगों की बीमारी से लड़ने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।